नमस्कार, साप्ताहिक न्यूज बुलेटिन उपासना में आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। उपासना यानी धर्म, आध्यात्म और भक्ति की ओर जाने का एक रास्ता। इस रास्ते पर हम चलते हुए अपने आराध्य देव की उपासना करते हुए उन तक पहुंच सकते हैं, उनको पा सकते हैं। उपासना में हम आपको लेकर चलते हैं उन खबरों की ओर जहां आस्था और आराधना की लहरें बहती हैं। देश भर में शायद ही कोई दिन ऐसा होता हो जब किसी न किसी धर्म का कोई उत्सव न मनाया जा रहा हो। रोजाना की खबरों में ये खबरें कहीं खोसी जाती है, इसीलिए एवन टीवी आपके लिए लेकर आता है साप्ताहिक प्रोग्राम उपासना, जिसमें होती है धर्म से जुड़ी प्रदेश की खबरें। उपासना में आज सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई खबरों की ओर। राम की नगरी अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, तो वहीं राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है। मेहंदीपुर बालाजी धाम के महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने बताया कि मेहंदीपुर बालाजी महाराज के आराध्य प्रभु श्री राम की जन्म स्थली अयोध्या में बालाजी ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क मेहंदीपुर बालाजी रसोई संचालित की जा रही है, जिसका शुभारम्भ राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के मौके पर किया गया। महंत नरेशपुरी महाराज ने बताया कि अयोध्या के इमली बाग हनुमान गढ़ी में संचालित मेहंदीपुर रसोई में एक माह तक अयोध्या नगरी में आने वाले राम भक्तों को तीनों समय सुबह, दोपहर और शाम भोजन प्रसादी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि श्री राम जहां होंगे हनुमान भी वहां होंगे और दोनों जहां होंगे वहां कल्याण करेंगे। लेकिन जनपद अयोध्या के खाद्य सुरक्षा विभाग ने निरीक्षण किया है और आज की तिथि में सबसे ज़्यादा एक्टिव भंडारा हमें यहीं पर मिला है, और जो आप लोगों का मेन्यू है, जो खान पान की जो सामग्री आप लोग सेवा कर रहे हैं, वितरित कर रहे हैं, लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, उसकी गुणवत्ता अपने आप में बहुत अच्छी है। अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तराखंड के कोटद्वार शहर में भी राम भक्तों में खुशी की लहर देखने को मिली। कोटद्वार में हजारों की संख्या में राम भक्तों ने प्रभु श्री राम की जयकारों और ढोल नगाड़ों के साथ अपने खुशी का इजहार किया। इस दौरान कोटद्वार के मालवीय उद्यान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में राम भक्तों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रभु श्री राम के जयकारों से पूरा शहर गुंजायमान हो गया। अयोध्या में श्री राम जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, इसको लेकर पूरे देश में लोगों में उत्साह दिखाई दिया। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर का जसपुर श्री राम की भक्ति में रम गया। नगरवासियों ने धर्मशाला मंदिर से विशाल शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों लोगों ने, महिलाओं ने और बच्चों ने हिस्सा लिया। पूरा शहर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बताया कि राम जन्मभूमि का आंदोलन 500 साल से चल रहा था, वो दिन आ गया जब रामलला की स्थापना गर्भगृह में होती देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा क्षेत्र टनकपुर में जय श्री राम के नारों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने पर राम भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। यात्रा में भक्ति भजनों के साथ कलाकारों ने सुंदर झांकियां प्रस्तुत की। शोभा यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। बताया जा रहा है कि टनकपुर में आज से पहले कभी भी हजारों की संख्या में राम भक्तों का सैलाब नहीं देखा गया। पूर्व जिलाध्यक्ष देव चंद्र पाठक ने बताया कि भारतवर्ष के साथ पूरा विश्व राममय हो गया है। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा
समारोह का राजधानी दिल्ली में खासा उत्साह देखने को मिला। जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली गई तो मंदिरों में सुंदरकांड और रामायण पाठ के आयोजन हुए। बाजारों में राम नामी झंडे, पोस्टर और बैनर छाए रहे। धार्मिक आयोजनों के बीच जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। बाजारों में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। सदर बाजार में शोभा यात्रा और कश्मीरी गेट में राम झंडा यात्रा निकाली गई तो कमला नगर पूरी तरह से भगवामय हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कैबिनेट मंत्री मीनाक्षी लेखी, रामवीर सिंह बिधूड़ी बिरला मंदिर गीता भवन में आयोजित सुंदरकांड पाठ में शामिल हुए। श्री राम जी के स्वागत की तैयारी में झंडे वाला मंदिर में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। अयोध्या गर्भगृह में प्रभु राम के स्थापित होने पर सनातन धर्म के लोगों ने दीप जलाकर दीपावली मनाई। वहीं मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी प्रभु राम को अपना आराध्य मानते हुए शारदा घाट पर दिए जलाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र टनकपुरा के शारदा घाट पर गंगा आरती की गई। इसी दौरान शारदा घाट पर हिंदू धर्म के लोगों के साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने भी दीप जलाए। मनी हारगोट से आए मुस्लिम समाज के लोगों ने लगभग 2200 दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमजद हुसैन ने बताया कि भगवान राम किसी विशेष धर्म के नहीं बल्कि सभी धर्मों के आराध्य हैं। अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने की खुशी हम सब मिलकर मना रहे हैं। कोलकाता महानगर में नॉर्थ कोलकाता सेवा संदेश द्वारा अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में तारा सुंदरी पार्क में सीताराम सत्संग समिति ने सामूहिक संगीत में सुंदरकांड पाठ किया। इस अवसर पर भाजपा पार्षद विजय ओझा ने पाठ करने आए श्रद्धालुओं को दुपट्टा उठाकर स्वागत किया। इस दौरान दो ग्रुप में बच्चों ने चित्रांकन प्रतियोगिता में भाग लिया। इस अवसर पर कोलकाता महानगर के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से देश भर में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। देश विदेश में कई धार्मिक आयोजनों का दौर शुरू हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्वर्णिम पल के आने से पहले 11 दिन की कठोर साधना की और श्री राम की अनुभूति कराते उन ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की यात्रा की जिनके कण कण में आज भी राम विद्यमान है। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय तारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। बाल स्वरूप में रामलीला के दर्शन जितना भी कर लें उतना कम है। मन करता है बस प्रभु श्री राम को यूं ही निहारते रहें। लेकिन प्रभु श्री राम को टेंट से मंदिर में लाने का संघर्ष इतना आसान भी नहीं था। राम मंदिर के लिए सैकड़ों कार सेवकों ने अपना बलिदान दिया, तभी तो रामलीला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम सभी कार सेवकों के हमेशा ऋणी रहेंगे। आज इस ऐतिहासिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कार्य और समर्पण की वजह से आज हम ये शुभ दिन देख रहे हैं। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा करके दिखाई, उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के हम सब ऋणी हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने पर खुद को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ, ये कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 12 जनवरी से 11 दिन तक कठोर तप किया। इस दौरान उन्होंने उपवास में सिर्फ नारियल पानी पिया और फलों का सेवन किया। उपवास के दौरान उन्होंने जप और गौ पूजन भी किया। सबसे खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने 4 राज्यों के 7 मंदिरों में दर्शन किए, साथ ही स्वच्छ तीर्थ स्थल पहल की शुरुआत भी की।
11 दिन, 4 राज्य और 7 मंदिर। 12 जनवरी को सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कालाराम मंदिर गए, जो कि नासिक महाराष्ट्र में है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले नासिक के कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान कालाराम की आरती उतारी। साथ ही मंदिर परिसर में सफाई भी की। उन्होंने दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी में पूजा की। कालाराम मंदिर का विशेष महत्व है। भगवान राम वनवास के समय इस जगह पर रुके थे। यहाँ श्री राम के साथ माता जानकी और उनके भाई लक्ष्मण भी रुके थे। मंदिर में भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण की काली रंग की शिला से बनी प्रतिमा है, जिस कारण इस मंदिर का नाम कालाराम पड़ा। जनवरी को प्रधानमंत्री वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी में गए, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अपने अनुष्ठान की इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी पहुंचकर 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की। ये मंदिर भगवान शिव के उग्र अवतार वीरभद्र को समर्पित है। इस मंदिर को हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जो रहस्यमयी तरीके से हवा में लटका है। रामायण में भी इसका महत्व है। लेपाक्षी का तेलुगु में अर्थ है उठो हे पक्षी। ये मंदिर पौराणिक पक्षी जटायु को समर्पित है। दरअसल माता सीता के अपहरण के समय रावण जटायु युद्ध में जटायु घायल होकर यहीं पर गिरे थे। सुंदरम पट पीत मानहु तणित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश। 17 जनवरी को प्रधानमंत्री गुरुवायूर मंदिर और त्रिप्रयार श्री राम मंदिर पहुंचे, जो कि केरल में है। 17 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने पारंपरिक परिधान मुंडू यानी कि धोती और वेष्टी सफेद शॉल में गुरुवायूर और त्रिप्रयार श्री राम मंदिर में जल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। त्रिप्रयार मंदिर में भगवान राम को विष्णु के चतुर्भुज अवतार में दिखाया गया है। ये मंदिर लकड़ी की नक्काशी से भरा हुआ है। आपको बता दें कि त्रिप्रयारप्पन को हर संहार मूर्ति भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने राक्षस खार का वध किया था। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम की मूर्ति समुद्र से निकली। इसके अलावा लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी की मूर्तियां भी समुद्र में मिली थी, जिन्हें भी यहां पर स्थापित किया गया है। फिर 20 जनवरी को प्रधानमंत्री पहुंचे रामेश्वरम के अरुलमिगु रामानाथ स्वामी मंदिर में। प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन किए हैं। उन्होंने तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन करने से पहले अंदल नाम के हाथी को गुड़ खिलाया और आशीर्वाद लिया। अब बात करते हैं कि श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की विशेषता है क्या। तो इसे भूलोक वैकुंठ कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर में देवताओं की लंबे समय तक भगवान राम के द्वारा पूजा की जाती रही थी, और रावण पर राम की विजय के बाद मंदिर को राजा विभीषण को सौंप दिया गया। वापस लंका जाने के रास्ते में भगवान विष्णु विभीषण के सामने उपस्थित हुए और इस स्थान पर रंगनाथ के रूप में रहने की अपनी इच्छा व्यक्त की। तभी से कहा जाता है कि भगवान विष्णु श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में यहाँ निवास करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रामेश्वरम में पूजा अर्चना की, साथ ही अग्नि तीर्थ में डुबकी लगाई, फिर रामानाथ स्वामी में रामायण पाठ और भजन संध्या की। बात करें रामेश्वरम की, तो यहाँ हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है,
ये तीर्थ हिंदुओं के चार धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले पत्थरों से सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची थी। बाद में श्री राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटी नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। 21 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तमिलनाडु के कोदंडारामा स्वामी मंदिर, जो कि धनुषकोटी में स्थित है। रामेश्वरम में दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने श्री कोदंडारामा स्वामी में दर्शन पूजन किए। ये मंदिर श्री कोदंडारामा स्वामी को समर्पित है। कोदंडारामा का अर्थ है धनुषधारी राम। इसके बाद पीएम धनुषकोटी के अरिचल मुनाई पहुंचे। माना जाता है कि यहीं पर राम सेतु का निर्माण हुआ था। धनुषकोटी को लेकर कहा जाता है कि यहीं पर विभीषण पहली बार श्री राम से मिले थे। यहीं पर उन्होंने श्री राम से शरण मांगी थी। पीएम मोदी ने अरिचल मुनाई में फूल चढ़ाए और टेलीस्कोप से तट भी देखा। चाप धर संग्राम जित कर दूषणम राम। मैं श्री राम के आशीर्वाद से धनुषकोटी में राम सेतु के आरंभ बिंदु अरिचल मुनाई पर था, जिस घड़ी प्रभु राम समुद्र पार करने निकले थे। वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था। वहां पर मैंने पुष्प वंदना की। वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा कि जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे, चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम हो, केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर हो, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो या फिर धनुषकोटी। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय तारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। उपासना में अभी लेते हैं एक अल्पविराम। वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे राम लला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा। प्रभु श्री राम भव्य मंदिर में विराजित हो गए हैं। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद हर भारतवासी जो कुछ अनुभव कर रहा है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सही कहा कि ये पल हमें हजारों सालों की धरोहर देकर गया है। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है। राम भक्तों के लंबे इंतजार के बाद वो ऐतिहासिक पल आया जिसका इंतजार हर सनातनी को लगभग 500 वर्षों से था। अयोध्या नगरी में 22 जनवरी को 5 वर्ष के बाल रूप में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत तो थे ही, साथ ही साथ
इन अद्भुत पलों को निहारने के लिए तमाम बॉलीवुड के स्टार्स, क्रिकेटर्स और विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। और ठीक 11 दिन बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कठिन प्रतिष्ठान पूरा किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गोविंद देवगिरी महाराज ने पीएम मोदी को चरणामृत पिलाकर उपवास खुलवाया। बाईस जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह बहुत ही भव्य था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल दुपट्टे पर चांदी का छत्र लेकर मंदिर के मैदान में प्रवेश किया। अनुष्ठान के लिए गर्भगृह में जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए संकल्प धारण किया। पूजा अर्चना के दौरान पीएम मोदी ने विधि विधान के साथ रामलला की आरती उतारी। गर्भगृह के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने दंडवत प्रणाम करके भगवान राम से आशीर्वाद लिया। अभिषेक के दौरान सेना के हेलीकॉप्टरों ने मंदिर परिसर पर फूलों की वर्षा की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने साधु संतों को उपहार भेंट किए और श्रमजीवियों पर फूलों की वर्षा भी की। आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। अब प्रभु श्री राम की अद्भुत मूर्ति के बारे में भी जान लेते हैं। प्रभु श्री राम की मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगिराज ने किया है। रामलला की मूर्ति सिर से लेकर पैर तक सोने और रत्नों के आभूषणों से सजी है। भगवान राम के शीश पर मुकुट या किरीट धारण है, जिस पर माणिक्य, पन्ना और हीरे जड़े हैं। मुकुट के बीच में सूर्य भगवान है। मुकुट के दाईं ओर मोतियों की लड़ियां लगी हैं। कानों में कुंडल पर मोर की आकृतियां हैं। भगवान रामलला ने गले में रत्नों से जड़ा अर्धचंद्राकार कंठा पहना है। हृदय पर कौस्तुभ मणि धारण किया है। शास्त्रों के मुताबिक भगवान विष्णु और उनके अवतार हृदय पर कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, इसीलिए रामलला को भी इसे धारण करवाया गया। रामलला के गले के नीचे नाभि कमल के ऊपर एक हार धारण कराया गया है। वहीं वैजयंती रामलला को पहनाया जाने वाला सोने से बना तीसरा और सबसे लंबा हार है, जिसमें वैष्णव परंपरा के सभी मंगल चिन्ह, सुदर्शन चक्र, शंख और मंगल कलश बने हैं। कमर में करधनी, भुजबंद, कंगन, रामलला की मुद्रिका, पैरों में पैजनिया, मस्तक पर तिलक और रामलला के चरणों में कमल है। जानू भुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम राम श्री। अब सवाल ये है कि रामलला की मूर्ति का रंग आखिर काला क्यों रखा गया? दरअसल वाल्मीकि रामायण के मुताबिक प्रभु राम का उल्लेख श्यामल वर्ण के रूप में किया गया है। नीलांबुज श्यामल कोमलंगम के तर्ज पर भगवान राम की प्रतिमा बनाई गई है। इतना ही नहीं, भगवान राम की मूर्ति का निर्माण कृष्ण शिला से किया गया है और इस पत्थर का रंग काला ही होता है। अब आपको बताते हैं कि रामलला की मूर्ति दशम अवतार प्रतिमा है। ध्यान से देखने पर मूर्ति के दोनों ओर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। भगवान विष्णु के कृष्ण, परशुराम, कल्कि और नृसिंह जैसे अवतार थे और उनका चित्रण मूर्ति पर दिखाई देता है। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त भगवान हनुमान को रामलला की मूर्ति के दाहिने ओर दर्शाया गया है,
जबकि भगवान गरुड़ जो भगवान विष्णु की सवारी हैं, उन्हें राम की मूर्ति के बाएं पैर के पास दर्शाया गया है। साथ ही भगवान रामलला की मूर्ति के सर के चारों ओर सनातन धर्म और हिंदू धर्म के पवित्र चिन्ह दर्शाए गए हैं। इसमें एक स्वस्तिक, ओम, चक्र, गदा और शंख है। मूर्ति के चेहरे के चारों ओर सूर्य नारायण का आभमंडल है। ये सभी चित्रण भगवान विष्णु और राम से निकटता से जुड़े हुए हैं। मूर्ति के दाहिने हाथ में तीर है जो आशीर्वाद देने की मुद्रा में है, वहीं बाएं हाथ में धनुष है। प्रभु श्री राम की मूर्ति में पूरे तरीके से सनातन संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। बाईस जनवरी को हुए इस भव्य आयोजन के बाद 23 जनवरी से सभी श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं और अब तक बड़ी तादाद में श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं। आप भी जाइए अयोध्या और निहारिए अलौकिक अविस्मरणीय भव्य राम मंदिर में विराजे रामलला को। A1 टीवी के लिए स्पेशल डेस्क के साथ अमीशा यादव की खास रिपोर्ट। उपासना में अभी के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर आपको लेकर जाएंगे धर्म, आध्यात्म और भक्ति की दुनिया में और सत्संग करेंगे अपने आराध्य देव के साथ। उपासना की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।